मेरा नाम है दीपिका लालवानी और मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ. पिछले 7 साल से मैं योगा, पिलाटेस और बूट कैंप जैसे वर्कआउट करा रही हूँ लोगों को. आज रियल लाइफ प्लानेट के फिटनेस सेगमेंट में आपका स्वागत करती हूँ. आज हम देखेंगे मिनट का एक ऐसा वर्कआउट जो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, और इस वर्कआउट में हम पूरी बॉडी पे फोकस करेंगे, किसी एक मसल पे फोकस ना करते हुए. शुरू करेंगे हम शोल्डर्स और आर्म्स से और ख़त्म करेंगे लेग्स पे. ये वर्कआउट है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें घर से ज़्यादा बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता, जैसे कि हाउसवाइफ्स या फिर वो लोग जो घर से ऑपरेट करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट. तो मेरे पास ये 2 डंबल्स हैं. अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप पानी की बॉटल यूज़ कर सकते हैं. 1 लीटर की पानी की बॉटल ऑलमोस्ट सेम वेट की रहेगी. तो शुरू करते हैं शोल्डर वर्कआउट से. आगे पानी की बॉटल या डंबल जो भी आपके पास, उसको यहाँ सेंटर में रख के और यहाँ से साइडवेज उठाइए. सिर्फ शोल्डर के लेवल तक उठाना है और फिर नीचे. जब आप ऊपर उठाएंगे तब ये याद रखना है कि शोल्डर को ऐसे पॉपअप नहीं करना, नीचे दबा के रखिए अपने कानों से दूर. इसकी 15 रेपिटेशंस. जब आप शुरू करेंगे वर्कआउट तब आप थोड़े से कम रेपिटेशंस करिए, और जैसे जैसे आपकी बॉडी को इसकी आदत पड़ती जाएगी आप रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं. तो ये एक एक्सरसाइज हो गई. इसके बाद डंबल को सामने लाइए. अब अपनी रिस्ट को बाहर की तरफ टर्न करिए और अपनी एल्बोज़ को बेंड करके डंबल्स को ऊपर लाइए. ये आपके बाइसेप्स पे काम करेगी एक्सरसाइज, आपकी आर्म्स के लिए, आर्म्स को टोन करने के लिए. अब जाएंगे ट्राइसेप्स पे. ये दोनों डंबल सर के पीछे साइडवेज, इनको लेकर जाइए नीचे. एल्बोज़ आप याद रखिए कि कान के पास रखनी है, दोनों एल्बोज़ अपने कानों के पास रखिए. एक्सटेंड करिए एल्बोज़ को पूरी तरह और फिर पूरी तरह बेंड करिए. इसके भी 15 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं. ये आपके आर्म्स के नीचे वाले पार्ट को टाइट करने में आपकी हेल्प करेगा. इसके बाद हम डंबल्स रख देते हैं और आगे चलते हैं. थोड़ा सा कार्डियो ऐड करते हैं अपने वर्कआउट में. अगर आपके पास मैट है तो ठीक है, मैट नहीं है तो आप जो भी कुछ बिछा रहे हैं ज़मीन पर उसकी चौड़ाई को आप एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. एक साइड से शुरू करेंगे और दूसरी साइड जंप करेंगे. इसको लैटरल जंप्स बोलते हैं. पीछे की साइड से पैर को क्रॉस करिए और अपना बैलेंस बना के रखिए. 20 से 30 बार ये कर सकते हैं अपनी हार्ट रेट को ऊपर ले जाने के लिए. उसके बाद अब नीचे आएंगे और वर्क करेंगे अपने हिप मसल्स पे. अपने नीज को बेंड कर लीजिए और अपने पैरों को हिप डिस्टेंस अपार्ट रखिए. इसका मतलब ये है कि आप अपने पैर चिपका के मत रखिए, उतनी दूर रखिए जितना कि आपका हिप वाइड है. अब यहाँ से धीरे धीरे आप अपने हिप को ऊपर उठाइए, और जब आप ऊपर उठा रहे हैं उस वक्त हिप्स की मसल को स्क्वीज़ करिए और फिर वापस नीचे. ऊपर जाते हुए सांस छोड़नी है, यानी एक्सहेल करते हुए ऊपर, और नीचे आते हुए इनहेल करना है. इसे हिप ब्रिज कहते हैं. इसके भी 15 रेपिटेशंस करेंगे और फिर इसके बाद काम करेंगे हम अपने अपर एब्डोमिनल पे. तो हाथों को सर के पीछे ले आइए, लेकिन सर को सपोर्ट मत करिए हाथ से, सिर्फ कान के पास रखिए अपने उंगलियों को. एक्सहेल करते हुए ऊपर और इनहेल करते हुए नीचे जाना है. दोनों शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर उठाइए, वापस नीचे. बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शोल्डर ब्लेड्स उठाने और इनहेल करते हुए नीचे. इसकी भी 15 रेपिटेशंस. इसके बाद हम वर्क करेंगे अपने लोअर एब्डोमेन पे. दोनों लेग्स ऊपर रख के नीचे आते हुए ध्यान रखिए कि आपकी बैक जब तक ज़मीन के साथ लगी हुई है वहीं तक टांगे नीचे लेके जानी है. ऊपर आते हुए एक्सहेल करिए और नीचे आते हुए इनहेल. इसकी भी 15 रेपिटेशंस और फिर वापस. सो लास्ट में वर्क करेंगे हम अपने लेग्स पे. तो खड़े होके और अपने लेग्स को एग्जैक्टली अपने हिप्स के नीचे रखना है, चिपका के नहीं रखना है, हिप्स के नीचे रखना है. हाथ सामने या ऊपर रख सकते हैं. अगर आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो हाथ सामने की तरफ रखिए, और अगर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो हाथों को ऊपर रखिए और दोनों नीज को बेंड करते नीचे जाते हुए. अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपके नीज जो हैं वो आपके टोज़ के आगे नहीं आने चाहिए. इंस्टेड आपको अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है. अगर आप साइड से देखें तो आपके हिप्स पीछे जाएंगे, आपको ये नहीं करना है. क्योंकि अगर आप नीज़ को आगे पुश करेंगे
तो आपके नीज इंजर हो जाएंगे। दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अगर आपके नीज में प्रॉब्लम है तो आप पूरी तरह नीचे नहीं जाएंगे, आप हल्का सा बेंड करके और ऊपर आ जाइए। अगर आपकी नीज ठीक है तो आप पूरी तरह नीचे जाइए, फुल स्क्वाट करिए और ऊपर आइए। 15 रेपिटेशंस, पर पहले दिन पे नहीं वरना आपकी टांगों में दर्द होगा बाद में। और आखिर में लंजेस करते हैं, एक पैर आगे एक पैर पीछे, लेकिन एकदम एक के पीछे एक नहीं, थोड़ी सी डिस्टेंस, अगेन हिप डिस्टेंस पे। पीछे वाला नी बेंड करिए पूरा नीचे और सांस छोड़ते हुए ऊपर। 15 रेपिटेशंस के बाद आप साइड चेंज करिए, दूसरा लेग सामने और बेंड एंड एक्सटेंड। वर्कआउट के एंड में स्ट्रेचिंग करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो मसल्स में स्टिफनेस होगी और इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये वर्कआउट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वर्कआउट्स। थैंक यू।